बड़ी खबर कवर्धा से मिल रही है, वो आप तक पहुंचा देते हैं। सोमवार से कर्फ्यू में राहत दी जाएगी, ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। कवर्धा में लगे हुए कर्फ्यू में अब सोमवार से राहत दिए जाने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि कवर्धा में हुए विवाद के बाद लगातार धारा 144 वहां पर लागू कर दी गई थी, जिसका सख्ती से पालन करवाया जा रहा था। कर्फ्यू वहां पर लगा हुआ था और अब कर्फ्यू में ढील देने की बात, राहत देने की बात निकलकर सामने आ रही है। बताया ये जा रहा है कि सोमवार से कर्फ्यू में राहत दी जाएगी। अब राहत किस स्तर पर होगी, कितने समय के लिए होगी, पूर्ण रूप से कर्फ्यू हटा दिया जाएगा, यह भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि राहत की बात बताई जा रही है, राहत देने पर विचार किया जा रहा है। स्थिति सामान्य हो चुकी है, यह बताया जा रहा है कि स्थिति अब अंडर कंट्रोल है और उसके बाद अब वहां पर कर्फ्यू में धीरे धीरे राहत देने की तैयारी की जा रही है। और इस वक्त हमारे सहयोगी सूर्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्या, क्या ताजा जानकारी, क्या अब एक टाइम बाउंडेशन में राहत मिलेगी या फिर पूर्ण रूप से कर्फ्यू हटाने पर विचार चल रहा है? देखिए, जिले के कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा और एसपी द्वारा फिलहाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया जा रहा है। उसे साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से कवर्धा की हालात में हालात को प्रशासन द्वारा काबू करने की प्रयास किया जा रहा है और धीरे धीरे इस जो कर्फ्यू है उसके समय बढ़ाया जाएगा। एक साथ कर्फ्यू हटाने का हटाया नहीं जा सकता, उसी को लेकर के कलेक्टर ने सुबह 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक कर्फ्यू में छूट दे रखा है। सुबह 9 बजे से 3 बजे तक के दुकानें खोला जा सकेगा। इसके अलावा शाम 5 बजे से 7 बजे तक के भी लोग जो है, क्योंकि नवरात्रि का सीजन चल रहा है, ऐसे में नवरात्रि में लोग शाम के समय मंदिर के लिए या फिर किसी अन्य अपने निजी कार्य के लिए लोग घर से बाहर निकल सकेंगे। इसके अलावा सभी शैक्षणिक संस्थान को भी सोमवार से खोले जाने का आदेश जो है कलेक्टर द्वारा जारी कर दिया गया है।